Hello. We are on our way to Crawford Market, apparently the cheapest market in Mumbai. और मुझे आप लोगों को बताना था कि वो cheapest क्यों है, वहाँ पे कौन सी चीजें मिलती है and all of that. So अभी right now I'm just gonna give you a basic introduction of what the market is. और उसके बाद जब हम वहाँ जाएंगे if required I'm gonna talk to you, else I'm just gonna take clips of कौन सी चीज़ें मिलती है, कहाँ पे, कैसे और कितने पैसे की. So I'm gonna show you the building, what Crawford Market is, what really Crawford Market is, and then उसके बाजू का जो सारा है वो सब अलग अलग lanes है for अलग अलग stuff, okay? Next thing, it is located in South Bombay. Specifically अगर आपको train से जाना है तो आपको कहाँ उतरना पड़ेगा बेबी? No, not CST. उससे पहले आता है ना वो M से कुछ नाम आता है, मस्जिद बंदर. So आपको मस्जिद बंदर उतर के जाना पड़ेगा. आप CST से भी जा सकते हो but the walk is a little longer I feel. And जब आप मस्जिद बंदर स्टेशन से जाते हो तो आप डायरेक्टली मतलब इन द मिडल ऑफ द मार्केट पहुँचते हो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट, उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन हैं. सो इफ यू वॉन्ट क्लोथ्स, आपको अगर कोई ड्रेसेस बाय करना है या समथिंग, यू हैव मंगलदास मार्केट आउट देयर. इफ यू वॉन्ट टू बाय प्लास्टिक स्टफ, देर इज अनदर लेन. स्पेसिफिकली वो लाइट जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वो सारे शैंडेलियर्स और वो सारे मिल रहे थे, लोहार चाल. सो देर इज लोहार चाल एंड ये सारे लेन्स है, ओके? इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर. दो मिनट के डिफरेंस पे एक लेन आती है. सो दिस लेन इज लोहार चाल, तो वहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत इंटीरियर्स लाइक शैंडेलियर्स एंड ऑल मिलते हैं. मंगलदास मार्केट इज जस्ट लाइक गांधी मार्केट और एनी अदर क्लोथ मार्केट, तो अंदर आपको सारे मटीरियल्स एंड ऑल मिलेंगे. राइट इन फ्रंट ऑफ इट यू लाइक ऑन द राइट साइड यू हैव ब्यूटी सेंटर. तीन चार अलग अलग ब्यूटी सेंटर्स हैं एंड यू नो दैट ब्यूटी सेंटर्स आर यू नो प्लेसेज जहाँ पर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. देन आई थिंक ऑन द लेन, जब हम शॉप्स की बात करें एज सून एज वी एंटर, तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपको बहुत सारी चाइना प्रोडक्ट्स की लाइक यू नो द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की शॉप मिलेगी. There are a lot of bed sheets and also bed sheets ki alag shops hai and you have carpets. So these type of different specific things. And then there is a roadside market, matlab street market hai, jahan par aapko any and everything milti hai. So you get tablecloth, you get normal shopping bags, you get socks, anything like night wear, toys for kids, luggage ki bahut badi market hai. There's a pet market there, so if you want to buy specific pets like birds or dogs or whatever, there is a special pet market for that. So we are going to go through all of that. Hopefully aaj main dekhti hu ki hum kya kya cover kar sakte hain, but I am hoping inshallah to take you through everything. Ready, let's go. Well, I am already driving, so here, let's go. टिप्स, अगर आप कार चला के जा रहे हो तो आई थिंक वॉट वी आर गोना डू, बिकॉज आप वहाँ पे कार लेके जा नहीं सकते हो पूरा टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू द लेन्स. सो आई थिंक वॉट यू शुड डू इज पार्क योर कार राइट ऑपोजिट टू द क्रॉफर्ड मार्केट, जो बिल्डिंग है वहाँ पे, एंड देन यू कैन रोम अराउंड ऑन फुट. मेरे जैसे लेजी हो तो आप वहाँ से टैक्सी कर लो, मतलब कुछ और कर लो, बट अपनी कार को एक जगह पे सेफ रखो एंड देन यू कैन रोम अराउंड इन समथिंग एल्स. हियर इन मे, बाहर इतनी धूप है, इतना गर्म होने वाला है, बट एनीथिंग फॉर यू गाइस. हम यहाँ तो पहुँच गए हैं, बट व्हाइल आई पार्क एंड एवरीथिंग, अ लिटिल मोर टिप्स. ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग हियर फॉर शॉपिंग स्पेसिफिकली, कैरी बिग बैग्स, राइट? तो शॉपिंग का फर्स्ट रूल तो है कि आप बैग्स कैरी करो. प्लीज टेक वाटर विद यू, बिकॉज यू डोंट नो कि कितना, मतलब आई डोंट नो यहाँ पे कहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा. थर्ड रूल ऑफ शॉपिंग इज ऑब्वियसली कैरी कैश विद यू, बिकॉज स्ट्रीट शॉपिंग में क्या होता है ना, पीपल डोंट रियली टेक कार्ड्स ऑब्वियसली, सो यू विल हैव टू टेक कैश. और कैश में भी छुट्टा रखो अपने पास. तो अगर आप किसी को 2000 की नोट दोगे तो दे विल लेट गो ऑफ द सेल बट दे विल नॉट गिव यू छुट्टा, ओके? सो आपको 100 की, 50 की, 500 की भी नहीं, 100 और 50 की नोट्स में ही आपको छुट्टा रखना पड़ेगा. Obviously wear something comfortable, wear or sport shoes or a normal walking shoes or a slipper or something jahan pe you know you're gonna be like fine walking around. If you are someone who gets irritated with tan, wear proper full clothes, because obviously dhool, mitti, ye wo sari cheeze aapko bahut pareshan kar deti hai.
पानी के साथ या पानी के बजाय आपको लाइम वाटर यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लाइम एंड शुगर, बिकॉज इट्स गोना बी रिफ्रेशिंग, रेजुविनेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इफ यू आर लाइक मी जो बिल्कुल दो कदम भी नहीं चल सकता है, सो इन दैट केस द स्टार टिप दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज टू कीप टेकिंग ब्रेक्स. मतलब आपने एक घंटे शॉपिंग कर ली बट आपको पता है कि आप बहुत लंबी शॉपिंग के लिए आए हो 5-6 घंटे वाली, तो ब्रेक लो. जो कोई भी रेस्टोरेंट है वहाँ जाके बैठ जाओ, चाय पी लो, पानी पी लो, कुछ करो, बट कहीं पे बैठ के करो, तो वो शायद आपको ज़्यादा आसान होगी. If you have any tips that you can share with my subscriber base, please put it in the comments below. I am sure you can help everyone else with your tips of shopping. Now, let's go. Okay, so baal maine baandh liye hai, kamar maine kas li hai. Let's go do shopping. भैया इसका कॉस्ट क्या है? स्विमिंग के लिए ना, ये लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं ना. इसमें फुल लेंथ है, मैं आपके पास फुल स्लीव्स है, और ये सब 400 250 मटेरियल का डिफरेंस है. आगे मिलेगी भी नहीं, मगर मिल गए तो भाव पूछना. भैया ये टॉप्स कितने के हैं? अलग अलग है क्या सबका? इसका कितना है? इसका ये जो ब्लू वाला है 350. ओके, बैंड्रा में 500. और ये क्रॉप टॉप्स 350, मतलब 350 से है. हाँ, 350. और ये नॉर्मल टी शर्ट पीछे बटरफ्लाई वाला, ये 350. ये भी 350. ये फैंसी टॉप कितने का है? ये वाला आपको 350 में आएगा. ये भी 350 में आएगा, मतलब बैंड्रा से सस्ते दाम है आपके. और ये इसके पीछे वाला कौन सा? ये 550. देखो और एक पैटर्न है 450 का. ओके, एक कलर इधर लगा हुआ है और एक कलर है, तीन कलर है. वो बताओ मुझे, बताओ तीन कलर है इसमें. देखो कौन सा? 300 का. दिस इज द ज़ारा टाइप डिज़ाइन. ज़ारा डिड दिस लास्ट ईयर. ये वाली कितने की है पैंट्स? ये वाला पैंट 350. और ये वाले प्लाजोज 250. अच्छा है ये 250 में, अच्छी खासी लेंथ भी है इसकी. और ये वाली नॉर्मल कॉटन की 250. और ये हॉट पैंट्स 150. मेरा साइज का दीजिए ना एक. और ये स्लैक्स बिना प्रिंट के 200. ये 200 और वो 250. They've got so many colors in it, Mohsen. Quality is also good. 200 ना इसका. बिग एस न्यू इयररिंग्स आर ओनली 50 रुपीज और ये छोटी वाली आर ओनली 30 रुपीज. ओ माई गॉड, दिस इज सो चीप. वाओ. और ये सब जो पीछे है 50 रुपए का. और ये भी, ये वाली भी 50 रुपए है. 100 रुपया. ओके, सो दीज इयररिंग्स आर ओनली 50 रुपीज. दिस वन इज ओनली 50 रुपीज. दिस वन 50 रुपीज. कितने के भैया? 50. इसका क्या दाम है? 250. और ये वाले 2 पीस है ना? हाँ, 2 पीस 550 का. 550 और ये वाले 250.
कुर्ती कितने की है? मतलब समझना है मुझे, दाम समझना है। देखो 500 का 500 से स्टार्ट होता है। हाँ। और वो बच्चों के कपड़े वहाँ पे कौन सा? ये अंदर ये सब बच्चों के कपड़े हैं ना। रेट क्या है? मतलब तो मुझे 2 साल के बच्चे के लिए चाहिए। वो बताया क्या दाम है छोटी छोटी? वो 100 का 100 का 3 पीस। देखो ऐसा वाला भैया ये है तो सही आपके पास, ऐसा चाहिए मुझे, इस तरह हम चाहिए। सब कुछ 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, 200 रुपए का है, 400 वाला है, 400 वाला है। मुझे स्लीपर्स मिल गई। हाँ जो लोग चोरी करेंगे। ये क्या है? कितने के है? 350 का है, 250 का है। और ये प्रिंट वाले हैं? 250 ओके। और ये भी टेबल कवर ही है ना? रडर है पीछे लगा। और ये एप्रिंस? 100 रुपये। और ये वाला आपने कितना बोला था? 120 रुपये। और ये क्या है पूरा जो नीचे बिछाते हैं? टेबल मैट 350-200। और एक में कितना? 6 पीस है, 350, 200। और ये वाले 150। वो घर पे जाके हॉल बनाऊं कि मैंने क्या क्या खरीदी शॉपिंग हॉल। स्टोल्स कितने के भैया? ये वाले 100 रुपये के दो। और वो जो 100 के 2 और वो जो पीछे कॉटन के हैं ये सब, ये 250 वाले 250 100 के 2। आराम से बनेगा मैडम, आपको टेंशन ले रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ये भैया? और ये जो कॉटन का दुपट्टा है नमाज का, ये बांधनी वाला, ये बांधनी वाले 150 है, उधर वाले भी लगे ना वो 200 रुपए के नमाज के है ना, लेकिन सारे 600 के है ना। स्लिंग है ना उसमें? स्लिंग है। मुझे वो ब्लैक वाला भी अच्छा लग रहा है, बट मेरे ना ये वाले जो, ये सब कितने के हैं? 250। ये बताओ ये वाला कितने का है? कितने का ये? 130 का। और ये राउंड वाले? 150। बेस्ट क्वालिटी building is supposed to be Crawford Market. Here you have police headquarters, that's the parking area, Manish Market, and the market behind this is all the extension. That's all the extension. Let's go in. मैडम गार्बेज बैग भैया, ये कितने के है? ये कितने का है? 80 रुपीज़ का मैडम। 80 रुपीज़ का कितना? 3 पीस का सेट। 3 पीस फ्रेश के बैग्स है ना ये? और ये बैग? ये गार्बेज बैग कचरे का। कितने का ये? 100 का 4 पैकेट है। 100 का 4। हाँ 1 पैकेट। दिस इज द मार्केट, सो दिस इज लोहार शाल, देयर यू हैव मंगल दास, दिस इज ब्यूटी सेंटर। कितना पड़ा है वो? 3x5 है। वो बेड के नीचे रखते हैं? हाँ, बेड के नीचे है ना। और ये सब कितने के है? ये सब 200 का जोड़ी है, 350 का जोड़ी है, 180 का एक है।
महीने पे नड़ा नड़ा। भाई ये कितने का है? 250। और ये बाकी छोटे छोटे ये सब लास्ट बोलो क्या तो ये वाले 250। ये भी 250। हटो जरा वीडियो लो। 250। ये सारी कितने की है भैया? 135। कोई भी आगे कोई भी लगे। अरे वाह, 200 वाला है, 350 वाला है, 250। कितने का ये? नहीं ये फिर भी नैरो नहीं है नीचे से, ये आएगा और नैरो, ये बरोबर आएगा। कितने के? हाँ 150। और ये सब 150 है ना सब? 120। और ये बैंगल्स, झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, बैंगल्स ये भी अलग अलग दाम है, 120। Is Crawford Market. That was the market that we came from. The whole deal, the whole shenanigan, that was the bag market. Now here inside the British structure we have another market. Let's go. Here you have dry fruits, a lot of them. Here you have chocolates and pickles. Chocolates, coffee, more Ramzan stuff. Actually, I'm gonna buy something from here.
चमचला क्यों ले? 50 पीस चमचला। ये कितने का है? ये 150 का। About 9 PM, we bought so many stuff. Like we put everything in there. That was Crawford Market. 9 बज गए, बंद हो गई है. अभी और कुछ मैं buy नहीं कर सकती हूँ. इसलिए अब going back. हमारी car Xavier's के पास park थी. पीछे वाला parking full था. मोटा मोटी that was the whole Crawford Market. And I tried to like pick up everything. I tried to include all the small markets. Mangaldas मुझसे नहीं हो पाया because we reached here at 4 o'clock. 4 o'clock we came here, no baby. ओके सो 4 o'clock वी रीच हियर एंड 9 बजे तक मतलब हम नहीं कर पाए. बीच में मोहसिन ने रोज़ा भी खोलना था, हमें कुछ खाना भी था, तो हमने आधा पौना घंटा इन अ रेस्टोरेंट वेस्ट कर दिया. प्लस आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ वेकेशन. इट्स नॉट आउट येट, सो आई एम नॉट गोना टेल यू, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ वेकेशन. सो उसके लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की. फ्रॉम इन साइड द क्रॉफर्ड मार्केट वी पिक्ड अप अ लॉट ऑफ लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग. हालत देख रहे हो आप मेरी, my mascara is like going to the town. Also we also kind of did my piercing. If you can see clearly, ये जो inner conch है और ये नीचे का जो stud है, so we did that piercing today and I have made a vlog about that as well. I'll link it somewhere here. I don't know कौन सा vlog पहले जाएगा, ये वाला या वो वाला. And after this video I'm also gonna actually do a quick haul of whatever we bought so that I don't have to make another video for it. Okay, so I'll see you guys later. Bye. I reached home at about 1:32 last night and it was crazy. So here in this bag I have everything. Yeah, let me just show you ki maine kal kya kya khareeda. Okay, so this is a huge ass bag. Ye sabse bada size wala bag hai and I just love the print on it. As you can see, it is like very 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 good. And the reason I picked this up is because मुझे पता है कि अगर मैं वो कन्वेयर बेल्ट पे देखूँगी तो इसको सबसे पहले पहचान लूँगी, राइट? सो दिस इज़ क्वाइट स्टर्डी, नॉट रियली अ ब्रांडेड वन, बट बिकॉज आई हैव अदर बैग्स आई नो दैट दिस गोना बी स्टर्डी. बट ऑफ कोर्स इन केस अगर इसका कुछ हो जाता है तो आई गिव यू अ रिव्यू, बट आई एम होपिंग दैट दिस इज गोइंग टू वर्क. दिस बैग द बिगेस्ट साइज आई गॉट फॉर 2,000 rupees ओनली. द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज कि इसमें कोई डिफेक्ट है, सिंपली बिकॉज इसके अंदर के जो बाकी 2-3 साइजेस होते हैं वो ख़त्म हो गए थे एंड दे वॉन्टेड टू लेट दिस ऑफ गो. सो इफ़ यू सी माई हॉल, इफ़ यू सी माई वीडियो, उसके अंदर और 2 ऐसे बैग्स हैं जो उनको निकालने थे, द गोल्ड कलर एंड ऑल, दैट वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. बट इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी व्हील्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो दैट्स वाई आई गॉट इट. सो दैट्स द थिंग. नाउ अंदर मैंने कुछ और चीज़ें खरीदी हैं विच ऑफकोर्स आई डेंट प्लान, बट या so as you can see this is like very big chain वेन के साथ proper 2 compartments. I'm just gonna push that back and these are all the stuff that I bought. So from the video you will recognize this cup set, the very beautiful print. ये मैंने अपनी mom के घर के लिए लिया है. I think I got this for 200. Yes, I got this for 200. There is this pair of हॉट पैंट्स. ये कॉटन की है, मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लगा, स्ट्रेचेबल है, फ्री साइज़ है, किसी को भी आएगी. दिस आई कैन वेयर अंडर माई ड्रेसेज एंड फील वेरी कम्फर्टेबल अबाउट नॉट फ्लैशिंग समवन. सो आई थिंक ये मुझे 150 की मिली. दिस वेरी प्रिटी एस कोम्ब विच आई गॉट फॉर आई थिंक 20 rupees. नाइस क्वालिटी, मतलब कुछ गंदा नहीं है. दिस कप लाइक पेपर कप सेट, एज यू कैन सी बोल सेट, एज यू कैन सी ये काफ़ी डीप है एंड बिकॉज इट्स रमज़ान एंड वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली कॉल फैमिली ओवर, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई माइट यूज़ फॉर सर्विंग पीपल. आई ऑब्वियसली एम अ पर्सन हु वुड लव टू यूज़ पेपर ओवर प्लास्टिक एनी टाइम. दोज आर पेयर ऑफ 4 टिश्यूज़ जो मुझे 100 रुपये में मिले, विच वॉज नॉट लाइक द चीपेस्ट डील, बिकॉज जब मैं आगे गई दूसरी मार्केट में, क्रॉफर्ड मार्केट में, तो वहाँ पर मुझे 5 टिश्यूज़ मिल रहे थे 100 रुपये में. सो ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉट 1 एक्स्ट्रा पैकेट, बट या एनी वे. सो ये 4 टिश्यूज़ अगेन घर की दावत के लिए है. दिस एक्चुअली यू नो वॉट, आई जस्ट ओपन दीज 2 एंड कम बैक टू यू गाइज़.
your bag. So when I open the roll, this is an adhesive. मतलब ये non-slip mat है. इतना मतलब इतना चौड़ा रहेगा और ये end to end जाएगा. So I think he said that it's 1 meter. ये भी मैंने घर के use के लिए लिया है as दस्तरखान, like something that we place on the floor before we eat food. And this is like not plastic, but it's a good material which is washable and everything. It is like non-adhesive, non-slip and all of that, durable. So ये मैंने इसके लिए ले लिया because otherwise I have that throw away plastics जो मुझे नहीं use करने थे. So ये, and then the other thing is obviously this bag. आपने कल video में तो देख ही लिया है, but what I want to show you is inside. So there is obviously this pouch inside which is also big. Sling bag की तरह आप use कर सकते हो if you don't want to carry the whole bag. आप इनको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हो. एंड द बैग इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस. काफ़ी स्पेस है अंदर, स्लिंग है एंड ऑल ऑफ दैट. द बैग आई गॉट फॉर 600 bucks एंड दिस फिल्म आई गॉट फॉर 100 rupees आई थिंक. सो दैट वॉज ऑल. इतनी चीज़ें मैंने बाय की. इन फैक्ट आई डिडंट इंटेंड टू बाय एनी ऑफ दिस, बट या आई बॉट देम एनी वेज. सो या दैट्स अबाउट इट.